गुलबर्गा शहर के अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हज और उमरा की शहादत हासिल कर चुके तमाम लोगों के लिए 4 सितंबर को सभा फंक्शन हॉल में एक तहनियती और तरबियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर्स ने तमाम हज और उमरा कर चुके लोगों से 4 सितंबर को सभा फंक्शन हॉल में शिरकत करने की गुजारिश कर कहा, गुलबर्गा शहर में अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स पिछले 22 सालों से अपनी खिदमात अंजाम देते आ रहा है। गुलबर्गा शहर के अलावा नॉर्थ कर्नाटका और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों लोग हज और उमरा की शहादत हासिल कर चुके हैं। अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स एक ऐसा भरोसेमंद ट्रैवल है जिससे कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, प्रोफेसर, पॉलिटिशियंस और दीगर हर फील्ड के लोग हज और उमरा का सफ़र तय कर चुके हैं। 4 सितंबर को सभा फंक्शन हॉल में 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए हज उमरा की शहादत हासिल करने वालों के लिए तहनियती तरबियती प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर आप तमाम से शिरकत की गुजारिश की गई है कि अल्लाह ताला ने अपने करम से अल सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स को हुज्जाज इकराम और मोतमरीन की खिदमत के लिए न सिर्फ गुलबर्गा ज़िले के लिए बल्कि पूरे नॉर्थ कर्नाटका के बल्कि हैदराबाद, दिल्ली और दूसरे इलाके के पूरे हिंदुस्तान के हुज्जाज इकराम के खिदमत के लिए चुन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से ये इदारा कायम हुआ है, तब से लेके 2022 तक हर साल सैकड़ों की तादाद में हुज्जाज इकराम और मोतमरीन हज और उमरे की शहादत हासिल कर रहे हैं। सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की फील्ड में कोई गैर मानूस इदारा नहीं है बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर गुलबर्गा और अतराफ अकनाफ के अजला और हैदराबाद और दिल्ली और दूसरे इलाके के तमाम हुज्जाज इकराम वाकिफ़ हैं, अवाम नास वाकिफ़ हैं। हर एक के ज़बान पर सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से सर्विस की तारीफ़ें सुनने में आती हैं। हमारे इदारे से, हमारे ट्रैवल से जो भी हुज्जाज इकराम हज का फरीज़ अदा करते हैं या उमरे की सआदत हासिल करते हैं, तमाम के फीडबैक्स हमारे वेबसाइट पर मौजूद हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं। हुज्जाज इकराम के फीडबैक्स से ये पता चलता है कि तमाम के तमाम मोतमरीन और हुज्जाज इकराम सईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की सर्विस से मुतमईन नज़र आते हैं। हर फील्ड के अहबाब हमारे इदारे से मुस्तफीद हुए हैं, हमारे ट्रैवल से मुस्तफीद हुए हैं। डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकला हो, प्रोफेसर्स हो और दूसरे फील्ड के हुज्जाज इकराम, अवामुन्नास सब के सब हमारे ट्रैवल से सियासी एतबार से भी जो सियासत में कदम रखे हुए हैं, वैसे अहबाब भी हमारे ट्रैवल से हज की सआदत, उमरे की सआदत हासिल किए हैं, जिसमें नामचीन हमारे डॉक्टर एमएम बेग साहब, मिर्ज़ा मुनीर बेग साहब जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन रह चुके हैं, वो भी हमारे इदारे से कई मरतबा उमरे की और हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर शौकत अब्दुर्रहीम साहब भी हमारे इदारे से हज की सआदत हासिल कर चुके हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब के वालिदैन डॉक्टर उवैस साहब और डॉक्टर सरवर अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर शकील अहमद ख़ान साहब और डॉक्टर उज़ैर साहब बीदर के सदर खाजी साहब के फर्जन और उनके पूरा ख़ानदान, और डॉक्टर निज़ामुद्दीन जुनेदी साहब, डॉक्टर मोइन साहब, इस किस्म के तमाम डॉक्टर्स हो और बहुत सारे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त आपके सामने उनके नाम गिनवाए नहीं जा सकते। और इंजीनियर्स में ख्वाजा मियां और तौफीक साहब इंजीनियर, अमीन मुख्तार साहब इंजीनियर, मोहम्मद महमूद साहब इंजीनियर, अब्दुल खय्यूम साहब स्लम बोर्ड के इंजीनियर साहब, और इंजीनियर सैयद मज़हरुल्लाह हुसैनी साहब,
और इसके अलावा हमारे अब्दुल वहाब साहब अंदली और अब्दुल हमीद साहब सहरवर्दी, प्रोफेसर अब्दुल हमीद साहब सहरवर्दी, बदरुद्दीन साहब लेक्चरर और हमारे इफ्तिखार साहब लेक्चरर और शहनवाज़ अली ख़ान साहब एचएम, मीर शहनवाज़ अली ख़ान साहब, शाहिन ख़ान साहब जो नेशनल के एचएम रह चुके हैं, अब्दुल हमीद साहब कगनवड्डी जो नेशनल के एचएम रह चुके हैं, प्रोफेसर मसूद साहब और लेक्चरर अनवरुल हक साहब, अबुल हसन जुनेदी साहब और कॉन्ट्रैक्टर्स भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और अनवर मियां सवाफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक कई मरतबा ये तमाम अहबाब। इसके अलावा सज्जादगान हैं अब्दुल मुबीन साहब फिरोज़ाबाद, वो भी कई मरतबा हमारे ट्रैवल से हज और उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। अभी 12 सितंबर को ये उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं। खाजी साहेबान शहर गुलबर्गा ज़िले गुलबर्गा के सदर खाजी साहब मरहूम और उनके फर्जन खाजी फैसल साहब, इसके अलावा बीदर के सदर खाजी साहब खुसरो साहब और उनके फर्जंदान, उनके फैमिली मेंबर्स, चितापुर के खाजी साहब, ऐसे बहुत सारे खाजी साहेबान हैं, सज्जादगान हैं, गोगी के सईदुल्ला हुसैनी साहब हैं और सियासत में हमारे डॉक्टर असगल चुलबुल साहब हैं, नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं, एडवोकेट सादत हुसैन उस्ताद साहब हैं, एडवोकेट फिरासत हुसैन उस्ताद साहब हैं, एडवोकेट अब्दुल खदीर साहब हैं, एडवोकेट अब्दुल हमीद समस्ती साहब हैं, ऐसे बहुत सारे सियासी मैदान के हो या आपके वकला हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो और प्रोफेसर्स हो, टीचिंग स्टाफ हो, इसके अलावा तुज्जार हो, ये तमाम लोग हमारे ट्रैवल से हज की और उम्रे की सआदत हासिल कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह 4 सितंबर को सभा गार्डन फंक्शन हॉल के अंदर सुबह 10 बजे से 3 बजे तक एक तहनीयती और तरबियती प्रोग्राम रखा गया है। तहनीयत में इस साल जो हुज्जाज इकराम असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स से हज की सआदत हासिल कर चुके हैं 2022 में, उनकी इंशाल्लाह उनकी तहनीयत उनको तहनीयत पेश की जाएगी, उनके फीडबैक्स लिए जाएंगे और 12 सितंबर को और 5 अक्टूबर को जो हुज्जाज इकराम उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं उनका तरबियती प्रोग्राम भी सभा गार्डन फंक्शन हॉल में सुबह 10 बजे से 3 बजे तक रखा गया है। तमाम मैं अवामुन्नास से और खुसूसन जो हज की सआदत हासिल कर चुके हैं 2022 में या पिछले सालों में, उनसे गुजारिश करता हूं कि वो इस तहनीयती प्रोग्राम और तरबियत प्रोग्राम में ज़रूर शरीक हो जावें। खुसूसन 12 सितंबर में जो मुतमरीन उम्रे की सआदत हासिल कर रहे हैं और 5 अक्टूबर को जो उम्रे की सआदत हासिल कर चुके करने वाले हैं, इसी तरह से 3 दिसंबर को जो उम्रे की सआदत हासिल करने वाले हैं, तमाम मैं मुतमरीन से गुजारिश करता हूं कि वो ज़रूर वक्त मुकर्रा पर सभा गार्डन फंक्शन हॉल में 4 तारीख को बरोज इतवार सुबह 10 बजे से 3 बजे तक ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, वक्त की पाबंदी करें, इंशाल्लाह तफसीलात वहाँ पर सामने आएंगी। और हुज्जाज इकराम जो इस साल हज की सआदत हासिल करके किए हैं उनको तहनीयत पेश की जाएगी, उनके फीडबैक्स लिए जाएंगे। तमाम मैं मुतमरीन से और हुज्जाज इकराम से गुजारिश करता हूँ वक्त की पाबंदी करें। असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से एक रोज़ा तहनीयती और तरबियती कैंप मुनाकिद किया जा रहा है, इंशाअल्लाह बरोज़ 4 सितंबर संडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सभा गार्डन फंक्शन हॉल में मुनाकिद किया जा रहा है, इतवार का रोज़ है। असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलबर्गा शहर गुलबर्गा और शहर के लिए कोई नया ट्रैवल्स नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 23 साल से हुज्जाज इकराम की खिदमत कर रहा है। हैदराबाद कर्नाटक रीजन में ये एक ट्रैवल्स मशहूर व मारूफ है, उससे अहम बात भरोसामंद है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, असईद टूर्स एंड ट्रैवल्स जब भी हज या उम्रे के लिए सफ़र पर रवाना होता है अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप
नाज़रीन के लिए बताई जाती है। असई टूर्स एंड ट्रैवल्स की खसूसियत यह है कि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बेकार रहबरुल हुज्जाज मीर ताहिर अली ख़ान साहब जो प्रोपरेटर हैं अलसईद के, वो हुज्जाज इकराम के साथ होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो ऐसा ट्रैवल्स है जिसके अंदर तमाम मसाइल, तमाम चीज़ें, हर चीज़ बताई जाती है, क्योंकि इसके लिए तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हज इस्लाम का पाँचवा फ़र्ज़ है। सबसे पहले है ईमान, दूसरा है नमाज, तीसरा है रोज़ा, चौथा ज़कात, पाँचवा है हज। हज एक ऐसी इबादत है जो ज़िंदगी में एक मरतबा की जाती है, जिस तरह नमाज पाँच वक्त पढ़ी जाती है, लेकिन हज एक मरतबा किया जाता है। हज ऐसा है जिसके अंदर जानी माली और वक्ती तमाम चीज़ें लगती हैं, यानी बदन का भी वक्त लगता है, जान का भी वक्त लगता है और माल का भी वक्त लगता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग ली जाए, क्योंकि हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है। हज उमरा ज़िंदगी में एक मरतबा किया जाता है, इसके लिए हमेशा ट्रेनिंग जितनी ली जाए उतनी कम है, जितना सीखा जाए उतना कम है। वो ऐसा मकाम है जहाँ पर बहुत कुछ हालात सामने आते हैं जिसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो दम वाजिब हो जाता है। तो इसके मसाइल, बारीक बारीक मसाइल हमें मालूम करना बहुत ज़रूरी है। इसी निस्बत पर एक रोज़ा ट्रेनिंग कैंप मुनाकिद किया जा रहा है। याद रखिए, 4 सितंबर के दिन, संडे के दिन सुबह 10 बजे से 3 बजे तक सभा गार्डन फंक्शन हॉल हागरगा रोड पर मुनाकिद किया जा रहा है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है, जो 12 सितंबर और 5 अक्टूबर और 3 दिसंबर को जाने वाले हैं, वो ज़रूर भी ज़रूर इसमें शिरकत करें। इसके अलावा जो 2022 हज में गए हैं, उनके लिए तहनीती यानी फैसिलेशन प्रोग्राम किया जा रहा है और उनके तासुरात भी लिए जाएंगे। असई टूर्स एंड ट्रैवल्स की बेहतरीन खिदमत पर 2018 में मुतवफ़ी हज हुज्जाज साउथ एशिया की जनिब से ताहिर अली ख़ान साहब जो प्रोपरेटर हैं असई टूर्स एंड ट्रैवल्स को, उनके लिए वहां पर अच्छी खिदमत करने पर 18 में अवार्ड दिया गया। उसके बाद 19 में, फिर उसके बाद 2017, 2018, 2019 अल्हम्दुलिल्लाह ये तो कर्नाटका बिजनेस अवार्ड है 2021 में असई टूर्स एंड ट्रैवल्स को दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये साल 2022 में भी बेहतरीन खिदमत दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्या है बाज़ाबता फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप पर भी कई सारे वीडियोस दे चुके हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इस ट्रैवल्स और हुज्जाज इकराम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम।